अपनी शेह की वो इस तरह आती है, वो फनाफुल शेह का मकाम उसको बोलते हैं। वो जब तू जाएगा मुझे मुर्शिद की मोहब्बत आए, वो इस तरह नहीं आएगी। हाँ, जो तुझे मुर्शिद ने बताया करता रहे। लंगर का बताया तो लंगर ही पकाता रहे, बाकी तेरे अमलों का वो जिम्मेदार है। एक वक्त आएगा वो उसने तेरे दिल को साफ करना है, तेरे अंदर मन को पाक करना है। हाँ, अपनी नजरों से करे, दिखा ज़कूरियत के लिए करे उसकी मर्जी। अब जब तेरा मन पाक हो जाएगा ना, तो ये जो मखलूकें होती हैं, इनमें कोई एक मखलूक तेरे जिस्म में दाखिल हो जाएगी। मुर्शिद की कोई एक चीज, कोई लतीफा या जुस्सा तेरे जिस्म में दाखिल हो जाएगा। तो जब वो तेरे जिस्म में दाखिल हो जा, तो फिर तू मुर्शिद ही बन जाएगा। तू मुर्शिद तो तू फिर एक हो गया ना। फिर जब वो निकल कर जाएगा ना, तो फिर वो मोहब्बत अपनी छोड़ जाएगा ना। इसी तरह बाल लोगों के जिस्म में हजूर पाक का जिस्म मार खा जाता है, उसको खिनाफ रसूल कहते हैं ना। और कुछ लोगों के वो अल्लाह ताला का जुस्सा तोहफी के लिए आ जाता है ना, उस वक्त कहते हैं मैं अल्लाह ही हूँ। भाई से कहा था ना, उस वक्त फना फिल्ला का मकाम। जो ना वो बयान करते हैं इमाम शरानी के बारे में कि मैं कयामत के दिन तमाम नबियों से फरियों से मेरा जो ना झंडा सबसे बुलंद हो। उन्होंने नहीं कहा, जब उन्होंने अल्लाह आया तो अल्लाह ने कहा ना। उनकी मजाजी कहे जब अल्लाह है अल्लाह बोला, बल्कि एक और नमाज में उन्होंने यही कहा कि मेरी शान बहुत बुलंद है, सबसे बुलंद है। सब लोगों ने कहा आपने ये क्या कहा, उनका मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, अगर आंदा कहूँ तो मुझे कत्ल कर देना। फिर नमाज पढ़ी, फिर ऐसा कहा। फिर नमाज के बाद मैंने आज तो नहीं कहा कि कहा था, फिर मुझे कत्ल क्यों नहीं किया, कि हमने तो कत्ल किया, तुम कत्ल ही नहीं हुए। अगर बायजीद होता तो कत्ल होता ना, वो वही बोला था ना। और तभी वो कहता है ना कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरे इतना कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे बोलता है। ये तो हदीस में